Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So yeah, bridge dekh rahe ho? Yeah, this is the BKC Chunabatti Connector Bridge and today we are going to cover this bridge in this vlog. Yeah, subah hi open hua hai, so I just thought why not I share with my subscribers as early as possible. So today is 11th November. So अभी उस ब्रिज के ऊपर जाने के लिए अपोजिट साइड जाना पड़ेगा. ये देखिए क्या चालू है, यहाँ पे लाइन भी नहीं है और ये भाई साहब डाल रहे इधर. कैसे चलता है मुंबई में ऐसे. So ये रहा ब्रिज, पहले हम उस तरफ थे अब हम इस तरफ आए, क्योंकि ये ब्रिज चढ़ने के लिए थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है. आई विल एक्सप्लेन यू इन अहेड ऑफ दिस व्लॉग कि ये ब्रिज कौन से कमांडर को यूजफुल रहेगा, कौन से कमांडर को यूजफुल नहीं रहेगा, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, सब मिलेगा आपको इस व्लॉग के आगे. यहाँ से भी नहीं जा सकते, आपको आगे से जाके यू टर्न लेनी पड़ेगी. सो यहाँ से लेनी है हमें यू टर्न, बहुत केयरफुल लेनी है क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ बहुत फास्ट से आती है, बिकॉज दैट्स द रोड वेयर फ्रॉम ऑल द कार्स एंड ट्रक्स कम फ्रॉम थाने, चेंबूर एंड न्यू बॉम्बे. सो अभी यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, सो आई विल ट्राई टू कट ऑन फर्स्ट लाइन. ये मैंने दे दिया इंडिकेटर और ये हम लग चुके हैं फर्स्ट लाइन पे. सो आपको फर्स्ट लाइन लेनी है अगर ये ब्रिज लेना है तो, क्योंकि कल जब ट्रायल पीरियड के लिए ब्रिज ओपन हुआ था सो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं ये ब्रिज कौन सा है. ये साइन बोर्ड और पीछे की तरफ चाहिए तो ही पता चलेगा. बहुत देखिए ये देखिए, ये लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे. आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ. तो ये हम लग चुके हैं फ्लाईओवर के ऊपर. दिस इज द न्यू फ्लाईओवर विच ओपन जस्ट 2 आवर्स बिफोर. दिस इज द सोमया हॉस्पिटल, सोमया ग्राउंड. दिस साइड इट इज चुनाभट्टी. द स्पीड लिमिट इज 35. ये देखिए जॉइंट, उन्होंने मेंशन किया था कि बिकॉज ऑफ द जॉइंट का काम बाकी है, दैट्स व्हाई इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट दिस फ्लाईओवर. दीज आर द साउंड बैरिकेड्स, इसका इंस्टॉलेशन काम भी बाकी था. एक्चुअली इस ब्रिज का काम स्टार्ट किया था इन 2015 और 2015 से ये ओपन टाइमिंग दिया गया था 2018 एंड, पर अभी चल रहा है 2019 एंड, दैट मीन नवंबर. अराउंड एक साल ये ब्रिज लेट हो चुका है, बहुत सारे रीजंस है उसके ऊपर. वाओ, और ये लग गए हम बीकेसी के अंदर कितने फास्ट में. बिकॉज ऑफ ये न्याय फ्लावर के लिए बीकेसी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे साइन बोर्ड डाल दिए गए एंड बहुत सारे सिग्नल्स भी ऐड किए गए. अराउंड 5 सिग्नल ऐड किए गए हैं बीकेसी में. ये रही मिट्टी नदी, दैट इज द धारावी, दैट इज मिट्टी नदी, और ये हम लग चुके हैं बीकेसी में. सो अभी थोड़े आगे रुके, ये ब्रिज किस किस कम्यूटर को यूजफुल रहेगा, किस किस को कम्यूटर को यूजफुल नहीं रहेगा, सब डिटेल दे दूंगा आपको. आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल आ गया है, पहले यहाँ पे सिग्नल नहीं था. 8-9, सो अराउंड 1.40 सेकेंड्स में हम आ चुके हैं बीकेसी में फ्रॉम चुनाभट्टी. वो भी आप सोच लीजिए मैं स्लो स्पीड के ऊपर था, अराउंड 40 के स्पीड के ऊपर था. सो यहाँ पे स्टेट रोड बंद कर दिया गया है, सो अब यहाँ पे रुकते हैं और आपको डिटेल्स देते हैं. सो ये रही अपनी बीस्ट और ये रहा फ्लाईओवर. यहाँ पे जो नीचे की तरफ जाने वाली एंट्री है वो बंद कर दी गई है. दिस इज द एरिया फॉर कॉप्स एंड यहाँ से ये इंटर करता है इन बीकेसी. ये रहा बीकेसी, दैट इज़ द बीकेसी 1. वो रहा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो पास में है, यहाँ पे एक इंटर कनेक्टिविटी है. सो जैसे आप यहाँ पे उतरते हो तो इनकेस आपको यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाना है तो ये टर्न यहाँ से लेना है आपको. वहाँ पर बाहर निकल जाओगे के बाद आपको लेना है लेफ्ट टर्न टूवर्ड्स एस ब्रिज. सो आप लग जाओगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे कला नगर जंक्शन पे बहुत सारा रोड का काम चालू है, तो आप यहाँ से फास्ट नहीं जा सकते. संडे हो या हॉलीडेज के डेज हो तो आप ट्राई करना, बट अदर डेज़ यहाँ पे बीकेसी का अंदर वाला रोड पूरा जाम रहता है. इट्स प्रीफर कि आप बाहर से ही, दैट मीन धारावी से ही अंदर घुसे. इनकेस आपको स्टेट जाना है तो स्टेट रोड्स यहाँ पे करंटली बंद है, तो ये आप लाइन देख सकते हो, ये लाइन आपको लेनी है. वहाँ पर जाके उस जंक्शन से आप उस तरफ जाओगे, दैट मीन इनसाइड टूवर्ड्स बीकेसी. सो ये बीकेसी का जी ब्लॉक है,
और यहाँ से मेन बीके से स्टार्ट हो जाती है आगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट किस किस कम्यूटर को ये ब्रिज यूजफुल रहेगा, किस किस को नहीं रहेगा। आपने देख ही लिया, ये ब्रिज जो स्टार्ट होता है फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ थाने एंड न्यू बॉम्बे, तो अगर वहाँ से आप आते हो तो आपको ये ब्रिज यूजफुल रहेगा टू इंटरिंग बीकेसी और गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट नेशनल हाईवे, बिकॉज उन लोगों के लिए उसके पहले एक ब्रिज है दैट इज फॉर SCLR, वो नॉर्मली जाम ही रहता था, तो उसके हिसाब से आप ये ब्रिज ट्राई कर सकते हो, आपको यूजफुल रहेगा। बट इनके यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सायन, वर्ली, कुलावा, तो आपको ये फ्लाईओवर लेने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेट आना पड़ेगा टूवर्ड्स प्रियदर्शनी सर्कल और वहाँ से स्ट्रेट आके कुर्ला का फ्लाईओवर लगेगा, वहाँ से आपको यूटर्न लेनी है। सो उस फ्लाईओवर से यूटर्न लेने के बाद आप लग जाओगे जिस जंक्शन पे जहाँ पे हमने बाइक इस फ्लाईओवर के ऊपर क्लाइंब की और वहाँ से आप ले सकते हो, तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इवन इन केस आप बीकेसी टूवर्स वर्ली ट्राई कर रहे हो तो भी आपको वही रूट फॉलो करना पड़ेगा, फ्लाईओवर लेके आपको प्रियदर्शनी कुर्ला फ्लाईओवर के नीचे जाके यूटर्न मार के टूवर्स वर्ली कुलाबा दादर जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ऑड है, अगर इनकेस ये लोग ने एक ही लाइन टूवर्ड्स साउथ मुंबई भी रख सकते हैं तो भी अच्छी तरह हो जाता था, लेट्स होप अगर इन फ्यूचर देख कर सकते हैं। आप लोगों ने देखे लिया अराउंड 1.40 सेकंड मुझे लगे टू इंटर इन बीकेसी फ्रॉम चुनाबट्टी, जिसके लिए मुझको हर रोज़ अराउंड मोर देन 20-25 मिनट्स लगते हैं, मॉर्निंग के टाइम, शाम के टाइम तो और ज़्यादा टाइम लगता है, सो इतना टाइम तो हमारा बच चुका है। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू क्लोज दिस व्लॉग बिकॉज ये बहुत एक्सक्लूसिव फ्लाईओवर है, जस्ट आज सुबह ओपन हुआ है। सो आई जस्ट थॉट आप लोगों को इस फ्लाईओवर के बारे में आइडिया दे दूँ, इनकेस आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। इफ़ इन केस आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो यार लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अपने चैनल पे ऐसे ही व्लॉग्स आते रहते हैं। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। सो यहाँ पे आके आप राइट ले सकते हो टू इंटर इन बीकेसी, आप देख सकते हो यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो यू विल गो टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। क्या कर रहे हो भाई साहब, दैट इज द कैपिटल बिल्डिंग, माई ऑफिस और उसके बाजू में जियो गार्डन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट मी शेयर सम ऑफ द थॉट अबाउट दैट फ्लाईओवर। इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ये फ्लाईओवर पूरा रेडी था, मगर तब MMRDA ने रीजन्स दिए, दैट इज द जियो गार्डन। सो MMRDA ने रीजन दिए कि ड्यू टू टार, उनको जो टार डालना है फ्लाईओवर के ऊपर, दैट मीन ये टार है जो बारिश के मौसम में ग्रिप नहीं देगा, दैट्स वाई वी आर नॉट पुटिंग द टार ऑन फ्लाईओवर। एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे टू MMRDA, वाई टार, वाई नॉट दिस सीमेंट रोड। अगर एक ही बार आप सीमेंट डाल देते फ्लाईओवर के ऊपर काम हो जाता था आपका, घड़ी घड़ी आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं थी, बट दे हैव चूज टार, आई डोंट नो वाई, दिस इज वन पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, चलो सेप्टेम्बर के बाद बारिश जाएगी उसके बाद टार डाल देंगे, तो टार डाल के भी हो गया था, फिर भी इन्होंने ड्यू टू द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड नॉट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट और डिले कर दिया, एक हफ्ता डिले, दो हफ्ता डिले, से डिले करते गए। सो थैंक टू NCP लीडर्स, उन्होंने कंसर्न रेज किया, बॉस क्या है ये, क्यों आप फ्लाईओवर डिले कर रहे हो, बिकॉज MMRDA वॉन्ट्स टू गिव द क्रेडिट टू BJP लीडर्स फॉर दिस फ्लाईओवर। तो उनकी आइडिया थी ये ऑफ दिस फ्लाईओवर, उन्होंने इशिफ्ट लिया था, जो भी बजट था पास किया था, नो वरीज, गुड वर्क मैन। बट अगर ये फ्लाईओवर रेडी है और आप लोग के इंटरनल मैटर की वजह से आपकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती है, व्हाई शुड कॉमन मैन सफर अबाउट दिस, अननेसेसरी फ्लाईओवर डिले कर रहे थे। तो मेरा एक ही पॉइंट है यहाँ पे, क्या ये फ्लाईओवर को बांधने के लिए जो पैसा खर्चा किया गया गवर्नमेंट ने, वो उसने खुद पार्टी फंड से यूज किया है, नहीं, ये आम आदमी का जो टैक्स पेयर का मनी है वो यूज करके ये फ्लाईओवर बांधा है। थैंक गॉड टू NCP लीडर, उन्होंने ध्यान तो दिया फॉर ओपनिंग दिस फ्लाईओवर। सो फ्रेंड, दीज आर माई थॉट्स अबाउट दिस फ्लाईओवर, अगर आपको बुरे लगे रहेंगे तो सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टू शेयर इट। चलो, सी या।